जी, प्रातः क्लास चल रहा था 27 जुलाई 1964 सोमवार, तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी आजकल गीता बैठ करके सुनाते हैं। बॉम्बे में आते हैं, यहाँ वहाँ बड़े बड़े आते हैं तो सब धर्म वाले जा सकते हैं, कोई को भी मना नहीं है, कोई भी जा सकते हैं, क्योंकि वो बेचारे जांच करते हैं, यहाँ वहाँ भी जाते हैं दूसरे गुरुओं के पास। क्यों जाते हैं? देखते हैं कि वहां कोई सहज रास्ता मिले परमपिता परमात्मा से मिलने का, कोई रास्ता बताते हैं सहज मुक्ति धाम जाने का, क्योंकि किसको पता तो है नहीं कि मुक्ति धाम क्या होता है और जीवन मुक्ति धाम क्या होता है, कोई को पता नहीं है। न पता होने के कारण बच्चे बहुत ढूंढते हैं और सब किस्म के गुरुओं के पास जाते हैं। देखो, वास्तव में अभी यहां गुरु गोसाई भी कोई नहीं है और कोई गुरु गोसाई का कोई नाम भी नहीं है, बस ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। कोई कहते हैं कौन है महात्मा, कोई को पता नहीं है। जैसे तुम हो वैसे ये है, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है। और न कोई तिलक दिया है, न कोई वेश ही धरा है, कुछ भी नहीं। ये भी धरने की दिल नहीं होती है, कभी कभी उतार देता हूं, ये भी क्यों, क्या इनसे पहचानेंगे? उनसे नहीं पहचानेंगे, नहीं। पर ये भी कोई ड्रामा के अंदर है, जैसे किससे मिलने की कोई ऑफिशियल रेस होती है वैसे ही है। नहीं तो ये ड्रेस की भी दरकार नहीं है, जैसा है उनसे ही बाप बैठ करके समझाते। देखना तो कोई ड्रेस वगैरह की बात नहीं है, तुम्हारी बुद्धि तो चली जाती है शिव बाबा के पास, ये कपड़ा पहने या ना पहने। और तो सभी शरीर को देखने वाले हैं, कहां भी सत्संग में जाओ तो शरीर को देखेंगे, और यहां तुमको इस शरीर को देखना नहीं है, क्योंकि तुम तो अपने शरीर को भी बुलाते हो, तो इनके भी शरीर को बुलाई दिया ना। किनके शरीर की बुलाने की बात हो रही है? किनके शरीर को बुलाई दिया? चौसठ की वाणी है ना, तो ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। देही अभिमानी बनते हो ना, तो देही अभिमानी बन तुम कोई इनको याद नहीं कर सकते हो। किनको याद नहीं कर सकते हो? इनको माने किनको?
हैं? ब्रह्मा बाबा को याद नहीं कर सकते हो? तुम फिर भी जानते हो कि शिव बाबा इसमें बैठ करके हमको राजयोग सिखला रहे हैं, वो ही नॉलेज फुल है, वो ही त्रिकालदर्शी है। यानी तीनों कालों को जानने वाला, तो तीनों कालों को जानने वाले से ही तुम तीनों कालों को जानते हो और जानने वाले बन रहे हो। जानते हो कि बरोबर आदि मध्यंत उनको तीन काल कहा जाता है, क्योंकि आदि मध्यंत पास्ट हो जावे, आदि मध्यंत का राज बाप बैठ करके इस समय में सुनाते हैं। फिर बताओ आदि किसका? बोलते हैं सतयुग से, अभी तो ये अंत है, अभी अंत तो आ गया है ना। अंत आए तब ही आदि मध्यंत का समाचार सुनावे। और तुम जानते हो कि सुनाते सुनाते सृष्टि का अंत हो जाता है, हुँ? क्या कहा? कब तक सुनाते रहेंगे हैं? जब तक इस सृष्टि का अंत हो तब तक सुनाते रहेंगे, जब तक जीना है तब तक पीना है, काहे में जीना है, है? देह अभिमान में जब तक जीते हैं तब तक ज्ञान जल पीना है, और अंत तो होना ही है, क्योंकि आते ही अंत में है। अंत को आकर के आदि बनाती है। कलयुग के अंत को सतयुग की आदि बनाने वाला, अभी तुम बच्चों को आदि से ये नॉलेज है, अरे ये नॉलेज तो बुढ़ियों को भी बहुत सहज है। वो कोई कॉलेज में या मैट्रिक में बीए में, ये बुढ़िया तो कुछ भी नहीं समझ सकेंगी। अब ये बुढ़िया कोई भी स्कूल में जाकर के बैठे तो कुछ भी नहीं समझ सकेंगी। बाकी ये तो समझ की बातें हैं, बिल्कुल सहज। बुढ़ियों को भी सहज है, क्योंकि ये समझने के लिए हम आत्मा तो है ना। 27-7-64 की वाणी का चौथा पेज। बाकी अब बाबा आकर के कहते हैं कि तुम बच्चे अब मुझे याद करो, ऐसे जब मरते हैं तो मनुष्य मंत्र देते हैं, कहते हैं राम राम कहो, फलाना कहो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? है भारत में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सभी जानते हैं कि मरते समय किसको याद दिलाते हैं, राम राम कहो। ये कहां की यादगार है? कैसे?
संगम युग की यादगार कैसे है? है? यज्ञ के आदि में तो कहा राम फेल हो गया, फेल होने वाले को क्यों याद करेंगे? ब्रह्मा बाबा के जीवित रहने तक भी यही समझते रहे कि राम तो फेल हो गया, तो फेलियर को कोई याद करेगा क्या? तो फिर क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग में मरने के टाइम राम राम कहो? है कोई कारण होगा ना? जब षष्ठी का अंत होता है सब ही मरने वाले होते हैं, तो सबको कौन याद आता है? राम ही याद आता है, क्योंकि राम बाप को कहा जाता है। कौन सा बाप? साकार में निराकार बाप। साकार राम, निराकार वो भी राम, क्योंकि राम का अर्थ ही है रमिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो ही राम है। तो जो भी भारत के मनुष्य मात्र हैं सब जानते हैं कि अंत समय में राम को याद करते हैं। बहुत करके कोई तो पीछे वानप्रस्थ में गुरुओं का मंत्र ले लिया, परंतु ये तो अभी आकर के कहते हैं बच्चे सारी दुनिया का ये मौत है। तुम सब वानप्रस्थी हो, चाहे बुढ़े हो, जवान हो, छोटे हो, देखो ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। और जो सबको कह देवे वो बोलेंगे क्या सबको मौत लाने के लिए वो तैयार हुए हो? हाँ ये तो खूबी है, तुम बच्चियां सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का मौत लाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। तुम कई कई तो चाहती है बाबा, फिर भी अभी कहां तक रहेंगी? क्यों जल्दी नहीं होता है? जल्दी अंत हो जावे तो हम जावे, यह बहुत दुख है। तो जल्दी क्यों नहीं होती है? आगे चल करके भी तुम कहेंगे जब यहां बहुत कुछ होगा तब कहेंगे बाबा अभी तो जल्दी करो। बाबा कहते हैं तुम ऐसे क्यों कहते हो जल्दी करो? इस समय में तो तुम ईश्वर के सन्मुख हो, पीछे तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी तुम्हारी डिग्री है वो तो डिग्रेड हो जाएगी। फिर तो तुम दैवी संतान की गोद में जावेंगे, और अभी किसकी गोद में हो? अभी तो ईश्वर की गोद में हो, अभी तो बहुत अच्छा है। ये बहुत शीतल गोद है, क्योंकि तख्ते को जब शीतल बनाता है तो उनकी गोद में मजा आता है। वो तो
तो शीतल गोद है ही। यहां तख्ते को शीतल बनाया जाता है वो तो अच्छा रहता है ना, तो कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि जल्दी हो जावे, जल्दी अंत आवे, जल्दी स्वर्ग आ जाए। नहीं, जल्दी माना हम ईश्वर की गोद छोड़ करके हमारा जो इतना ऊंचा पद है फिर तो हम डिग्रेड हो जाएंगे। देखो कितनी ये रमज की बातें हैं समझने की। अभी हम ऊंचते ऊंचे हैं, हमारा नाम आची आचार्य ही इसका है, क्योंकि जो मंदिर बनाया है सो भी तुम्हारा इनका इकट्ठा है। किसका किसका है? तुम्हारा मंदिर और इनका मंदिर, दोनों का इकट्ठा मंदिर है। कैसे है? अरे अभी बाप दादा कंबाइंड होते हैं ना, तो इकट्ठा मंदिर है। इस समय का मंदिर है ये दिल वाला मंदिर, और नाम भी तो बहुत अच्छा है। सारी सृष्टि की दिल लेने वाला, और ये दिल वाला मंदिर है सब के लिए है। कोई भी आवे दिल वाला के मंदिर में आवे, बच्चे जानते हैं कि आत्मा का दिल लेने वाला आत्मा पुकारती है, इस शरीर से पुकारती है कि हे बाबा आओ, और आकर के हम बिल्कुल हमको नया बनाओ। अभी हम पुराने हो गए हैं, हम आत्मा भी पुरानी हो गई और शरीर भी पुरानी हो गए। आत्मा में अलाय मिल गई है तो पुरानी हो गई है, इसलिए शरीर भी पुराना। सोना खाद वाला होता है उसका जेवर बनाएंगे तो वो भी खाद वाला, इसलिए बाप कहते हैं अभी तो सब जड़ी भूत बन गए। सब माने कौन कौन है? चाहे देवताएं हो, चाहे महात्माएं हो, चाहे धर्म पिताएं हो, कोई भी मनुष्य मात्र हो, सब जड़ी भूत। और आत्मा भी जड़ी भूत अंधी बन गई है। कहते हैं ना अंधे को राह दिखाओ। अभी कोई आंखें थोड़े ही बंद हैं, कोई मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है? नहीं, अंधा माना तुम्हें आंखें तो हैं पर बुद्धि अंधी हो गई है। जिसमें आत्मा रहती है उनको कुछ पता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। वो आत्मा जिसमें याद करने की बुद्धि है वो बिल्कुल ही भूल गई है।
भूलने के कारण भूलते 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 जैसे कि बिल्कुल जड़ बन गई। अभी बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, ये गीत भी बड़ा अच्छा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी भक्ति मार्ग में नहीं, अभी तो तुम गांवड़े गांवड़े से बुलाते हो। किसको है? क्या गीत बताया? अरे तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, गांवड़े गांवड़े से बुलाते हो ना। ये गीता पाठशालाएं गांवड़े हैं ना, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो भक्ति मार्ग नहीं है। कितने गांवड़े से बुलाएंगे आगे चल करके, कोई किस गांवड़े से बुलाएंगे, कोई किस गांवड़े से बुलाएंगे। छोटे छोटे गांव में जो बांधेली गोपिकाएं हैं वो भी बुलाती हैं। तो बाबा बोलते हैं कि छोटे छोटे गांव में जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुश्मन तो बहुत रहते हैं। इसके दुश्मन है, अरे किसके दुश्मन रहते हैं? अरे भगवान बाप जब आते हैं तो दुश्मन किसके हो जाते हैं? हैं? जिसमें आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि सबसे जास्ती ग्लानी किसकी होती है? शिव बाबा की। उसके बाद हैं ब्रह्मा बाबा की, उसके बाद नंबर वार तुम बच्चों की। 27-7-64 की वाणी का पांचवा पेज, जिनको बिख नहीं मिलता है वो बहुत दुश्मन रहते, क्योंकि उनको ही कामेश क्रोधेश कहा जाता है। काम की आग पूरी नहीं होती है तो दुश्मन बन जाते, इसलिए उनके अंदर से निकलता है कि ये कौन आया है जो हमारे घर में आकर के किरारा डालता है। जो हमारे माँ बाप का जन्म जन्मांतर का बिक्का बरसा था वो वर्षा अभी हमको नहीं मिलता, तो बहुत क्रोध में आ जाते हैं। सोचते हैं कि ऐसा तो दुनिया में कोई भी नहीं करता है, चाहे कितने भी बड़े बड़े महात्माएं आए हों, सन्यासी आए हों, धर्म पिताएं आए हों, ऐसा तो कोई भी दुनिया में नहीं किया। कोई भी सत्संग में साधु संत महात्मा हम लोग के साथ ये झूठ तो कोई भी नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तो पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी देखो भिख के लिए कितना हैरान करते। क्यों बच्चे? बहुत हैरान करते हैं ना। नाम तो बहुत गाते हैं कि बरोबर बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, गीता में कहा है ना, भगवान ने कहा है ना,
है कामेश क्रोधेश, ये महाशत्रु है। जयेनम पापमानम, किस पापी को मार दे। जो भी साधु संत महात्मा है, जो दुकानदारी निकाल करके बैठे हैं, वो साधु संत महात्मा भी इन बातों को जानते नहीं है। किन बातों को है? अरे किन बातों को नहीं जानते कि सतयुग त्रेता में भिख की संतान नहीं होती है, वहां तो श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान होती है, भ्रष्ट इंद्रियों की संतान वहां नहीं होती है। वो नहीं जानते हैं कि यहां निर्विकारी किसको बनाया जाता है, है? क्या सारी दुनिया को यहां बैठ करके निर्विकारी बनाया जाता है? किसको बनाया जाता है? हा? जो पहले देवताएं थे उन्हीं को निर्विकारी बनाया जाता है, क्योंकि निर्विकारी बनने से भला हम क्या बनेंगे वो भी तो कोई को मालूम नहीं है। देखो ये सन्यासी निर्विकारी बने हैं, है ना? बरोबर। अच्छा निर्विकारी बनने के बाद हमको क्या होगा कोई को भी कुछ पता नहीं है। अरे हम पवित्र बनते हैं बरोबर, ये जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ये पवित्र बनने के लिए तो भागते हैं ना, उनको तो ये कुछ भी पता नहीं है कि हम पवित्र बन करके कोई पवित्र दुनिया में जाएंगे, वो ये नहीं जानते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हमको दुनिया में नहीं जाना है, हमको तो निर्वाण धाम में जाना है। अब उन विचारों को नाम पता नहीं है ना, उन बच्चों को पता ही नहीं है कि पवित्र बन करके हम पवित्र दुनिया में फिर से जाएंगे, वो नहीं मानते हैं। क्योंकि इस समय में इतना दुख है, जो बोलते हैं इस दुनिया में रहने से तो अच्छा है हम मुक्ति को पावे, मुक्ति धाम जावे, इससे तो मोक्ष अच्छा है, बहुत मोक्ष मानते हैं, समझते हैं हमको सदा काल के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अनेक मत है ना, परंतु बाप ने बच्चों को समझाया है कि बच्चे इस ड्रामा में मोक्ष किसको मिलने का नहीं है, मोक्ष माने इस दुनिया में आवे ही नहीं। ये जन्म जन्मांतर के पाठ से हम मुक्त हो जावे, परंतु अभी बच्चे तो जान गए हैं कि ये जो भी इतने एक्टर्स हैं सबको वापस जाना है। ये याद कर लेना, अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी बाबा लेने आया हुआ है, और बोलते हैं जितना जो मुझे याद करते रहेंगे वो बहुत सीधे सीधे आते जावेंगे, सीधे सीधे आते जावेंगे माना है,
उनको कोई भी बरगलाए नहीं सकेगा जो टेढ़े रास्ते पर जाते रहे। अगर याद नहीं करेंगे तो तूफान लगते जावेंगे। ये बात अच्छी तरह से बताई देते हैं। और ये भी विवेक कहता है कि निरंतर याद करें उनको तो बड़ा मुश्किल है। भले बाबा छुट्टी देते हैं कि बच्चे निरंतर याद नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम बच्चों को छुट्टी है। तुम कर्मयोगी हो ना, भले कर्म का जो समय है तो उस कर्म के समय में भूल भी जाओ और देखो ये देखा गया है ना कि कितनी भी कोशिश करते हैं कि कर्म करते खाना खाते याद करें, वो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि टाइम लगता है। ऐसी अवस्था को पाने में बहुत पुरुषार्थ करना होता है। देखो जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं ना, जो बहुत पुरुषार्थी होते हैं रात दिन बगीचे में भी जाकर के पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ने की हावी रहती है कि हम पास विद्वान और बनेंगे, यानी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले करके छोड़ेंगे। जो बहुत शौकीन होते हैं वो स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मत्था मारते हैं। और अगर नहीं तो तुम जाकर के पूछो, देखो ऐसा होता है क्या? अखबारों में भी तुम सुनेंगे, रात दिन सुबह को पढ़ाई में बहुत मत्था मारते कि स्कॉलरशिप हमें मिल जावे। 27/7/1964 की वाणी का छठा पेज देखो, ये बच्चियां भी जो नंबर 1-2 आती है उनको स्कॉलरशिप मिलती है तो बड़े खुश होते हैं। यहां भी ऐसे ही है, बाप कहते हैं कि बच्चे तुम भी स्कॉलरशिप ले लो। कौन सी स्कॉलरशिप? तुम पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ। क्या मतलब? पहले पहले तख्त नशीन का क्या मतलब है? है सतयुग में पहली गद्दी ले लो। हैं? सतयुग की गद्दी की बात नहीं है, वहां तो देवताओं की गोद में पलेंगे और यहां यामेश्वर की गोद में पलते हैं पढ़ते हैं। तो यहां हमको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो विश्व की बादशाही की स्कॉलरशिप मिलती है। यही एक स्पेशल जन्म है जिसके लिए गाया हुआ है, 100% यथा राजा तथा प्रजा। आज के जो जन्म है कलयुग में उनमें कहेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा है? बिल्कुल नहीं। तो देखो दौड़ी पहनना चाहिए बच्चे, जो पुरुषार्थी है उनको दौड़ी पहनना चाहिए।
ये बच्चे भी याद करते हैं बाबा, हमको यहां सन्मुख आकर के बहुत मजा आता है। तुम भी जानते हो कि बरोबर बाप सन्मुख है। कौन जानते हैं? तुम किससे कहा जाता है? सामने वालों से कहा जाता है। तुम जानते हो तो तुम भी ब्राह्मण है और वो भी ब्राह्मण है। कौन है? वो भी ब्रह्मा की औलाद है ना, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन वो जानते हैं कि हम बाप के सन्मुख बैठे हैं? वो तो नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि फर्स्ट क्लास मुरली किसको कहा जाता है, सेकंड क्लास किसको कहा जाता है और थर्ड क्लास मुरली किसको कहा जाता है। सन्मुख सुनने में तो बहुत मजा आता है। ये है फर्स्ट क्लास मुरली, डायरेक्ट यानी प्रैक्टिकल में जिसका रथ है उन द्वारा वो बैठ करके बच्चे भी कहते हैं और घड़ी घड़ी बोलते हैं, क्यों भूल जाते हो बच्चे? तुम बहुत भूलते हो। भूल जाते हैं, हम आत्मा है सो भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो यहां घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे, बरोबर परमात्मा इसमें प्रवेश होकर के हमको सन्मुख कहते हैं। बोले बाबा ने समझाया है कि मम्मा के भी शरीर में आ सकते हैं मुरली बजाने के लिए। परंतु वो तो कोई भी पता नहीं पड़ता है क्या है कि मम्मा के शरीर में कब आया और कब चला गया। वह इमेजिनरी होता है कि बाप आया हुआ है। या तो तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में उनका मुकर्रर रथ है, किनका मुकर्रर है? ब्रह्मा के तन में उनका मुकर्रर है। क्या है? पार्ट। उनके सामने तुम बच्चों को पक्का करने के लिए कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं हो, मैं आत्माओं से बात करता हूं, मैं आया हुआ हूं। तुम हमको पुकारते थे कि बाबा आओ, बाबा कहते थे हमको सो भी निराकार बाबा, क्योंकि तुम भी निराकारी तो हम भी निराकारी। तो तुम बच्चे पुकारते हो भक्ति मार्ग में इस शरीर द्वारा, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल का शरीर धारण करके फिर भी मुझे याद करते आए हो। अभी मैं सन्मुख आया हुआ हूं। फिर देखो बात भी सन्मुख कर रहा हूं। कैसे सन्मुख बात कर रहा हूं? ये भी आधार लिया है, तुमने भी आधार लिया है, तुमको अपना आधार है, इनको बाहर का आधार है, लोन पर आधार है। और तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाबा कहते हैं अभी ये नाटक पूरा हुआ, अभी सबको ये पुराना छोला छोड़ना है
और ये दुनिया विनाश हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। इसलिए तुम निरंतर याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अंतकाल में तुम्हारी निरंतर याद चाहिए। अभी तो नहीं है तो अंत मते सो गते कब होगी है? क्या अंत समय की थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएगी? हो जाएगी हाँ, कुछ समय के लिए तुम्हारी याद निरंतर चाहिए। ऐसे न हो कि तुमको फिर कुछ याद पड़ जाए, और कुछ भी याद पड़ जाएगा अंत समय में तो फिर सजा खाएंगे। पिछाड़ी में पुनर्जन्म तो मिलने का नहीं है ना, याद की ही सजा मिलेगी। जिसको याद करे वो धारण करके फिर सजा खाएंगे। इसलिए बाहर की याद भूल जाओ। बाहर की याद माने हैं? ये बाहरी दुनिया में कोई भी हो, चाहे देह का संबंधी हो, देह का पदार्थ हो, उन सब की याद भूल जाओ। जितना हो सके बुद्धि में बस बाबा याद रहे, क्योंकि जब तुम यात्रा पर जाते हो ना, वो तो छोटी यात्रा होती है। क्यों भाई? जैसे हम जाते हैं श्रीनाथ द्वारे, तो बस श्रीनाथ द्वारा ही तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। कोई पूछेगा कहां जाते हो, अरे हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारे से कहा तुम बैठे रहते हो, कहां जाते हो भाई? बैठे बैठे पूछते हैं कहां जाते हो भाई, क्या बात सुना रहे? कहेंगे हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ योग लगाई जा रही है। मैं ट्राम में बैठा हूं, बस में बैठा हूं, कहां भी बैठा हूं, हमारी यात्रा तो ये सच्ची है। और वो फिर शरीर निर्वार्थ कर्मणा करना है, सो तो यहां बैठे हैं। देखो यहां जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, तो तुमको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कहां भी हो तो उनको याद रहना चाहिए। 27:7-64 की वाणी का सातवां पेज। किसको भी कहना हो तो याद रखे कि भाई तुम अपने बाप को जानते हो। भगवान जिसको बाप कहा जाता है, परमपिता कहा जाता है, उनको जानते हो तो वो तो कह देंगे सर्वव्यापी है। तो उनसे कहो नहीं, ऐसा मत कहो, क्योंकि बाप से तो तुमको सुख और शांति का वर्षा मिलता है। तुम्हारी आत्मा को अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। अगर सर्वव्यापी कहेंगे तो अनेक से वर्षा मिलेगा क्या? वो अगर कहें सर्वव्यापी तो तुमको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि हमको वर्षा कौन सा मिलेगा। सर्वव्यापी पने में कोई वर्षा मिल सकता है क्या? नहीं।
बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, क्योंकि बेहद का बाप है। हद के बाप हद का सुख देंगे और बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। अभी उनसे तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर सिर्फ सर्वव्यापी कह देंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि वो हमारा कोई पिता है। हम बच्चों को पिता से वर्षा मिलना है। अगर सर्वव्यापी है तो हम सभी पिता हैं, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? पिता को कोई वर्षा मिलता है क्या? पिता को तो वर्षा देना होता है। बच्चों का पिता बन गया तो उनको वर्षा देना है। उनकी आस में ये नहीं रहती है कि मुझे कोई वर्षा मिलता है। उनकी तो आस में रहता है कि मुझे बच्चों को वर्षा देना है। इस पिता के भी दिल में है, हमको बच्चों को वर्षा देना है। वर्षा लेना तो नहीं है ना? पिता को कैसे कोई वर्षा देगा? पिता और बच्चों का संबंध ही है पिता को वर्षा देना और बच्चों को वर्षा लेना। पिता को तो फिर वर्षे की उम्मीद ही नहीं रहती है। वो तो जब छोटा है तब पिता से उम्मीद रहती है कि इसे पिता से हमको वर्षा लेना है। पिता बन गया फिर वर्षा काहे का? फिर तो देने का है, क्योंकि बच्चा बन गया ना, उनको फिर वर्षा देना होता है। तो देखो, ये बेहद के बाप के लिए भी ऐसा ही है। ये विश्व की बादशाही लेता है या देता है? है? लेता है। कोई मुकुट मुकुट होता है बाप को विश्व की बादशाही का? भक्ति मार्ग में कोई मुकुट दिखाते हैं? दिखाते हैं? हैं? नहीं दिखाते हैं? नारायण को मुकुट दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? नारायण को दिखाते हैं, लेकिन नारायण को वर्षा किससे मिला? जो नर से नारायण बनता है उसको वर्षा किससे मिलता है? कहेंगे शिव बाप से मिलता है। तो शिव बाप निराकारी से मिलता है या साकार में आया हुआ निराकार बाप वर्षा देता है? जो साकार है वो विश्व का बादशाह बनता है कि लंगोटिया रहता है? हैं? अरे उसको वर्षा होता है? हैं? अरे वो तो वर्षा देने वाला है कि लेने वाला है? देने वाला है। फकीर के रूप में दिखाते हैं, खुद फकीर बन के रहता है और बच्चों को विश्व की बादशाही देता है। तो देखो ये भी ऐसे ही है। तुम बच्चे बने हो, बाबा कहते हैं तुमको वर्षा देना है, इन बच्चों को बाप से वर्षा लेना है। परंतु कौन से बच्चों को वर्षा मिलेगा? हैं? सच्चे दिल पर साहब राजी या झूठे दिल पर साहब राजी? कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहब राजी। तो तुम सच्चे बच्चे हो ना, तो तुम भी देखो यहां सच्चे बच्चे हो ना,
तो तुमको सच्चे बच्चे होने के कारण जो वर्षा मिलता है तो वर्षा देने वाले को याद जरूर करना चाहिए। जो बच्चे कच्चे होंगे उनको याद नहीं ठहरती है। किसको याद ठहरती है? जो दिल के सच्चे बच्चे होते हैं उनको याद ठहरती है। सच्चे को मदद करते हैं, सत्य दिल पर सच्ची आत्मा पर साहब राजी। तो कितना सच्चा बनना चाहिए? देखो ये पॉइंट है ना बड़ी कड़ी। फिर सच्चे वाले दूसरे कोई को भी याद न करें, परंतु शरीर निर्वाह के अर्थ बहुत याद करना पड़ता है। हैं? दूसरों को याद क्यों करना पड़ता है? हा? शरीर निर्वाह। अच्छा, माने शरीर रहना जरूरी है, नहीं तो परम धाम कैसे जाएंगे? हा? अरे परम धाम जाना है या नहीं? जाना है तो शरीर लेके जाएंगे, ये शरीर छोड़ के जाएंगे हैं? अरे शरीर तो यहां ही छूट जाएगा। शरीर छूटेगा ना तो ईश्वरीय सेवा में हो, ये भी तो ईश्वरीय धंधा है। ईश्वरीय सेवा धंधा नहीं है, हैं? और यहां तो बाप गारंटी देते हैं मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। तो पेट को क्या चाहिए? हैं? दो रोटी चाहिए शरीर निर्वाह की, तो गारंटी बाप देते। तो आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए ताकत लगानी चाहिए या देह की चिंता करनी चाहिए? हैं? आत्मा के लिए चिंता करनी चाहिए। फिर भी बाप कहते हैं बल शरीर निर्वाहार्थ करो, जैसे कभी कभी कहते हैं बाल घर ग्रस्त में रहो, कहते हैं ना बल मकान बनाओ, बल शादी करो। बाबा तो चाहते हैं कोई बच्चा शादी करे, पवित्र रहे, पवित्र रहकर दिखावे और घर में गीता पाठशाला खोले, फिर हो पाता है? हैं? नहीं हो पाता। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा कर्म है। क्या है? शरीर निर्वाह करना। अगर ईश्वरीय सेवा भी नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह कहां से होगा? होगा है? विनाश के टाइम पर और सारी दुनिया में भगदड़ मचेगी और तुम बैठ जावेंगे कि हमें ईश्वरीय सेवा भी नहीं करनी है, हमें तो बाप ने गारंटी दी है। तो शरीर निर्वाह होगा? हो जाएगा? नहीं होगा। बाप कहते हैं भले कर्म करो, पर जब फुर्सत हो तो कछुए की मिसल मुझे याद करो। जितना समय तुमको मिले जितना कर सको इतना याद करो। तो याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा, क्योंकि बच्चों को फिर खुशी होगी। जितना याद करने का अभ्यासी होंगे, जो आदत मनुष्य को पड़ती है वो वृद्धि को चली आती है। क्या वृद्धि की बात की है? अरे याद की भी आदत पड़ जाती है ना। जितनी आदत पड़ती जावेगी उतना याद की यात्रा वृद्धि को पाती जावेगी।
तो एक ये बैठ करके भी अच्छी तरह से याद करो कि अब 84 जन्म पूरा हुआ, अभी बाप आया हुआ है वापस ले जाने के लिए, परंतु वापस जाने से पहले हमें वर्षा लेना है। लेना है या नहीं? वर्षा लेने का है। बस अंदर में एक मंत्र पढ़ लो, 84 का चक्कर पूरा हुआ। अभी तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, हूबहू जैसे लौकिक नाटक होता है वैसे ये भी नाटक है। नाटक वाले जैसे करते हैं, परंतु तुम तो बेहद के नाटक वाले, तो बेहद का नाटक पूरा हुआ उनका होता है हद का नाटक, और तुम्हारा है बेहद का नाटक। अभी समझ लेना चाहिए, पॉइंट लिख देना चाहिए। बाबा ने कहा था ना कि बरोबर अभी नाटक पूरा होता है और तुम सबको वापस जाना है, इसलिए मुझे याद करो। बस मुझे याद करो, क्योंकि उस गीता में भी तुम दो समय में देखेंगे। क्या ये बात दो बार आई है? क्या बनमना भव मद्याजी भव, आज में मनमना भव मद्याजी भव, और अंत में भी लगाया हुआ है, क्योंकि कुछ तो लून है ना, आते में कुछ लून है तो सही ना, कुछ ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।